टाइम लगा के उमेश चाय बना लेना। मैं जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका 5G क्लासेस पर स्वागत है। और जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने थियरी टॉपिक डिस्कस कर लिया था, ये सेंसस का। मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या हमने थियरी टॉपिक डिस्कस किया है, नहीं किया है। थियरी डिस्कस कर लिया होगा तो हम लोग क्विज टॉपिक इसका डिस्कस करने वाले हैं। बस आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं एक बार, राम राम, कि थियरी हुआ है नहीं हुआ है इसका। और हो सकता है थियरी भी हो गया और एमसीक्यू भी हो गया हो, तो ये भी हो सकता है। जल्दी बताइए, जनगणना 2011 का हम लोगों ने थियरी वाला पोर्शन डिस्कस किया है, नहीं किया है? कमेंट करके जल्दी से बताएं। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। यार कमाल ही हो गया यार, एक निकम्मे का भी जवाब नहीं आ रहा है, हुआ है नहीं हुआ है। मैं ये बहस फिर बंद करूंगा, ध्यान रख लेना। तब तुम्हीं लोगों को नहीं पता रह रहा है कहाँ तक हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और फिर इस बैच की टाइमिंग भी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मॉर्निंग में ही करूँगा। दिन भर मैं इंतजार करता हूँ कि शाम को आप रहेंगे क्लास में, तो सभी लोग आप लोग चलो, तुम लोग मत बताओ, मैं ही चेक करता हूँ। एक निकम्मे को थेरी हो गया है, क्विज नहीं हुआ है। चले ठीक। और मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ इस बैच का, दिन में लेके आऊँगा दोपहर के आसपास, क्योंकि कोई फायदा है नहीं जब लाइव किसी को देखना ही नहीं है, तो मैं अपनी सुविधा से क्लास करा लेता हूँ। सबको रिकॉर्डेड ही देखना है। चलें, सबको गुड इवनिंग। पहला है, हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज? निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या अध्ययन का पिता कहा जाता है? तो ये साथियों, हम कार्ल मार्क्स को कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। भारत में पहली बार सेंसस वर्ड, जनसंख्या शब्द, जनगणना शब्द का जिक्र कहाँ किया गया है? तो पहली बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिस्कस किया गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। आप जानते होंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र कहाँ पर, मौर्य पीरियड में लिखा गया है। और इसके हिसाब से जनगणना का पर्पस क्या है? टैक्सेस को प्रॉपर सिस्टमेटिक लागू करना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो हमने बताया था कि लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना 1872 में, 1872 में हुई थी। और उसके बाद सिस्टमेटिक जो जनगणना होने लगी वो लॉर्ड
रिपन के द्वारा 1881 में शुरू हुई थी। चल हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ वेन फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड, पहली जब जनगणना हुई थी तो कब हुई थी, तो पहली जनगणना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे 1872 में हुई थी, 1872 में। कोई बात नहीं निधि, बाकी मैं ये समझ गया कि मुझे अपने हिसाब से क्लास चलाने में फ़ायदा है, क्योंकि लाइव में मुश्किल समझ लग रहा 20 भी नहीं रह रहे हो इतने ज़्यादा, मुझे लगता है कम से कम 2000 के आसपास हैं आप, तो यदि 1% लोग भी लाइव नहीं रहे तो कोई फायदा थोड़ी ना है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द सेक्स रेशियो, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, तो लिंगानुपात का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स एट 1000 मेल, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और भारत में भी कितना 940। भारत में महानगरीय जनगणना की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब होता है जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर यूपी के पास हैं, 6 हैं, महाराष्ट्र के पास 3 ही हैं, हालांकि नए वाले में उसमें भी 6 हो जाएंगे। यूपी के पास कहाँ कहाँ पे, लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में और इलाहाबाद में। 21 में स्थिति और बदल जाएगी। चल तो ये हैं जो मेट्रोपॉलिटन शहर है हमारे पास, बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में नासिक, औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, पुणे और मुंबई 5 है बल्कि, और यूपी में 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक शहर हैं, मैक्सिमम सिटी यानी सबसे ज़्यादा अर्बनाइज शहर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज शहर कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में, और सबसे कम अर्बनाइज शहर राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में। चले भारत की आबादी पूरे विश्व की आबादी के कितने परसेंट है, तो आप जानते हैं कि भारत का जो लैंड है पूरे वर्ल्ड के लैंड का 2.42% है, लेकिन पॉपुलेशन 17.5% हो गया है, 17.5%। भारत चीन को जनसंख्या के मामले में कब पीछे छोड़ देगा, तो पहले के डाटा के हिसाब से 2030 था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के नए डाटा के हिसाब से भारत चाइना को 2027 में पीछे छोड़ने जा रहा है। सबसे कम नेगेटिव पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गया था, इसको अपन लोगों ने क्या कहा था, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महाविभाजक वर्ष। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ये कौन सा था, तो 1911 से 1921, और सबसे अधिक जो बढ़ा है वो हुआ है 1961 से 1971 के बीच, लगभग 25%। और हमने कहा था 1971 की जनगणना को भी बेस बना करके लोकसभा में सीटों को बांटा गया है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो नेगेटिव किस में, नागालैंड में, और उसके बाद सबसे कम किस में, केरला में, सबसे अधिक किस में, मेघालय में। चले
थोड़ा सा यदि आप लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये बैच खराब हो जाएगा, इस बात को समझिए। डिजिटल क्लासेस में हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर हैं, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो यदि आप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो बहुत बोरिंग टाइप का हो जाएगा। वैसे भी इसमें पढ़ाने के लिए बहुत नहीं होता है, क्विज बेस पर ही होता है ज़्यादा, तो कोशिश क्या करें कि लाइव क्लास में, भले इकोनॉमिक्स वाले में ना रहें, इकोनॉमिक्स की खैर दो तीन क्लास और बची है, क्विज करवाएंगे तो तीन चार क्लास, लेकिन इसमें आप लगातार पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ये आपको सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर? मेघालय में, लगभग 28%, 27.95, तो क्या हो गया 28% के नियर बाय। 2011 से 1 से 11 के बीच कितनी परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो जनसंख्या वृद्धि कितनी परसेंट हुई है? 17.72%, लगभग 18% आबादी नई आ गई है 10 साल में। सॉरी की जरूरत नहीं वचन निधि, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग बिजी रहते हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू सेंसेस 2011, विच यूनियन टेरेटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अप 2001 to 2011? 2011 से 21 के बीच में, 1 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस यूटी में हुई है? सबसे ज़्यादा किसमें? दादर नागर हवेली में, लगभग 56% जनसंख्या बढ़ी है, वो 55.88। निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पर आया है साथियों? तो सर्वाधिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर रही है, एक मिनट, अच्छा इनमें से बताना है, तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में रही है 20%। इनमें से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर केरल में 4%, चार क्या लगभग 5%, 4.91। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर रही है? तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना ऐसे क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और असम, लगभग 17% के आसपास रही है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर लक्षद्वीप में रहा है माइनस में 6% के आसपास। यही सबसे कम आबादी वाला भी यूटी है, भारत का कितना परसेंट हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है? तो 121 करोड़ है भारत की आबादी, और यूपी में कितना है? लगभग 9.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ 121 करोड़ का कितना होगा? तो लगभग 16% होगा। कोई बात नहीं मनीष, इट्स ओके सर, यूपीपीसीएस में यूजफुल होगा, जहां भी स्ट्रेटेजी क्या आएगा यूजफुल होगा। ये कहीं ऐसा देख रहा है कि लो लेवल का करा रहे हैं या हाई लेवल का? आपको मैंने बोला है कि जो टॉपिक पढ़ा दूं उसका आपने पर्टिकुलर एग्जाम, जिसकी भी तैयारी करें, CDS, CPF, UPSC, IAS, PCS, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखें अपने एग्जाम में, UPPCS, यदि आ रहा है और वो क्वेश्चन नहीं हो तो मुझे बताएं, सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। निम्नलिखित राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किसमें है? मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसमें?
अरुणाचल प्रदेश में कितना? 46, 46। आज ये क्लास यूट्यूब पे भी फ्री चल रही है। चलो भाई, मिस्टेक हो गया होगा, कोई 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 बात नहीं, अच्छी बात है, उनको भी फायदा हो जाएगा। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्रशासित क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? 2011 के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मैक्सिमम किस यूटी में है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। जल्दी बताइए किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बताइए, बता रखा है आपको। तो कौन सा था साथियों? दिल्ली। कितना? 11,320। और स्टेट में सबसे ज्यादा किसका था? बिहार। कितना? 1,103। चले, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? तो हमने कहा था पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ पीपल, एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो हमने बताया कि अभी भारत में 382 लोग रह रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ? बिहार में, स्टेट में, और मिनिमम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, यूटी में, दिल्ली में, और इधर अंडमान निकोबार में। दिल्ली में कितना? 11,320। बिहार में कितना? 1,103। अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17। और अंडमान निकोबार में कितना? 46। चले, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, इंडिया हैज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज 328। भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 328 है, गलत है। कितना है? 382। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 892 है, गलत है। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, गलत है। बिहार की है, तो कोई भी सही नहीं है। यूपी का कितना है? 828 है, और यहाँ पे कितना दिया है? 892, 828, 828। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो सबसे अधिक क्या पूछ रहे हैं? स्टेट पूछ रहे हैं ना, तो स्टेट वाइज कौन सा? बिहार। और इधर 11,320, वेस्ट बंगाल का 1,028, केरल का 300 कुछ है।
चल अब जैसे एक क्रम लगाने के लिए आ गया तो सबसे अधिक किसके पास है, बिहार के पास, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। उसके बाद बंगाल के पास है और उसके बाद केरला के पास और उसके बाद यूपी के पास 828, 1103, 1028 और केरला का कितना ऑप्शन में नहीं है, बिहार और यूपी और महाराष्ट्र, एक मिनट एक मिनट, केरला 859, 859 और महाराष्ट्र का 365, 365। तो क्रम वाइज देखा जाए तो पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी, बी ऑप्शन। घटते हुए क्रम में तो सबसे ज्यादा किसके पास है, दिल्ली के पास, तो दिल्ली शुरू में कोई इसी में है ही नहीं, तो नहीं भी पता है चारों तब भी आप ये कर सकते हैं, दिल्ली के पास चंडीगढ़, चंडीगढ़ के पास पुडुचेरी, पुडुचेरी के पास दमन दीव, देख लो, दिल्ली के पास 11,320, चंडीगढ़ 9,528, पुडुचेरी 2547 और दमन दीव 2191। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अब ऑप्शन वाइज बताना है, तो पहले नंबर पे कौन सा था, बिहार, बिहार में ऑप्शन में था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, वेस्ट बंगाल 1029 या 28 जो भी आपके पास हो डाटा, केरल अभी हमने देख ही लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे कम किसके पास है, अंडमान निकोबार के पास, कितना 46, चले। भारत में नियमित जनगणना 10 साल पे होती है, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, फर्स्ट सिस्टमेटिक काउंटिंग, हमने बताया था पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो कहां पर, किसके द्वारा, रिपन के टाइम पीरियड में, किस ईयर में बताइए, पहली नियमित जनगणना, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 1872 मेयो के टाइम पीरियड में, लेकिन पहली सिस्टमेटिक जनगणना 1881 किसके टाइम पीरियड में, रिपन के टाइम पीरियड में। चल ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई थी, तो कौन सा था साथियों, 1921, 11 से 21 के बीच में जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय माइनस में चली गई थी। चल सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स हैज सेंसस बीन टेकन, आजादी के बाद से जनगणना को कितनी बार काउंट किया गया है, तो याद करो अभी जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, लेकिन आजादी के बाद कौन से नंबर की थी ये, सातवीं, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, तो ओवरऑल 15th और आजादी के बाद 7th। चले
द लास्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन, भारत में अंतिम जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो भारत में अभी लास्ट सेंसस कौन सी हुई है जो हमारे साथ सामने है? 2011, 2011। चले, और अगली कौन सी होनी है? 2021। सेम वही क्वेश्चन, आजादी के बाद 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? सेवेंथ पोजीशन की, सातवें नंबर की। देखो पढ़े होगे तभी कर पाओगे, नहीं पढ़े होगे तभी ये सब भूल गए होगे। सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य में साथियों? हरियाणा में। और सबसे अधिक केरल में। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज अ बेटर जेंडर रेशियो देन इंडिया? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होने, बाकी हमने आंसर दे दिया है। हाँ ये बताना है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट फॉर इंडिया इन सेंसस 2011? साक्षरता दर कितनी? 74.04, 74.04। सबसे अधिक किस राज्य में? केरल में। सबसे कम किस राज्य में? बिहार में। पुरुषों का कितना? 82%। महिलाओं कितना? 65%। सबसे कम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में? बिहार में। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फ्रॉम 1901 से यानी 10 साल में भारत की जनसंख्या में 4 गुना की वृद्धि हुई, क्या है सही है? गलत है। 1901 से 1951 तक भारत की जनसंख्या में 1.5 गुने की वृद्धि हुई। 1901 की जो जनगणना है दोनों गलत है, इसमें डी ये सीधे रहे लेकिन दोनों गलत है। केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है, सही बात है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज केरला। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल हैव द अचीव द लिटरेसी रेट ऑफ 85%। ये गलत है, अभी सब में 85% नहीं आ पाया, सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है। भारत में सेक्स रेशियो 940 है, बिल्कुल सही बात है। द सेक्स रेशियो हैज बीन डिक्लाइन इन पास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में जनसंख्या सेक्स रेशियो कम हुआ है? नहीं। लास्ट सेंसस में 933 था और अब 940 है, इसका मतलब कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। और द इंडिया हैज द वर्स्ट सेक्स रेशियो इन 1991, दैट वाज 1927। अब तक के इतिहास में सबसे कम सेक्स रेशियो 1991 की जनगणना में देखी गई है, तो ये सही है। तो दो सही है, 1 और 3 जवाब है कि हाँ। अब एक बार देखो, 1901 में सेक्स रेशियो कितना है? 1972, फिर थोड़ा सा कम हुआ 1965, फिर थोड़ा सा कम हुआ 1955, फिर थोड़ा सा कम हुआ 1950, फिर थोड़ा सा कम हुआ 1960। यानी ध्यान से देखो तो आज़ादी तक आते आते जनसंख्या लिंगानुपात थोड़ा सा कम हो गया है, फिर 61 में थोड़ा सा आके सुधरा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा सा यहाँ पर सुधरा। और सबसे कम जो देखा गया अब तक का भारतीय इतिहास का वर्स्ट कंडीशन किस में? 1991 में, ये हमने आपको दिखाई दिया। चलिए कितने तारीख से जनसंख्या को काउंट किया जाता है? तो जनसंख्या जो काउंट होता है वो रात को 12 बजे से 1 मार्च को, ना कि 1 अप्रैल को, ये ध्यान रखना। पहले क्या था? पहले 91 तक था सनराइज ऑफ 1 मार्च, सूर्य के उदय के साथ, यानी मॉर्निंग का टाइम होता था। अब है रात के 12 बजे का टाइम। क्लियर है यहां तक?
चले। किस राज्य की जनसंख्या दिल्ली से अधिक है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते हों तब भी चलेगा, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। दैट इज द उत्तराखंड। ये आंसर दे रहे हैं असम, असम 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 असम, ये सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई अवेलेबल एरेबल लैंड एरिया इन रेफर्ड एज, किसी पर्टिकुलर आबादी के लिए जो कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द एग्रीकल्चर डेंसिटी, कृषि घनत्व, कि एक व्यक्ति के लिए या 1 किलोमीटर एरिया में कितनी उत्पादक भूमि है, दैट इज द एग्रीकल्चर डेंसिटी। हो सकता है मनीष ऐसा मे भी पॉसिबल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? किस राज्य की सबसे अधिक आबादी है? दैट इज द यूपी, उत्तर प्रदेश। नहीं, और सबसे कम सिक्किम। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि किसकी देखी गई थी? नागालैंड की। 2001 से 11 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? 17.72। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये हो चुके हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द सेंसस 2011? पॉपुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार इज द लोवेस्ट इन 2011 सेंसस, गलत है। स्टेट में सिक्किम और यूटी में लक्षद्वीप। केरला पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द हाईएस्ट इन ऑल स्टेट, गलत, ये बल्कि मिनिमम है नागालैंड के बाद। गोवा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हैज बीन लोअर देन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1 to 11। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ असम हैज बीन ऑलमोस्ट द सेम एज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 2001 to 11। तो इसमें केरला का क्या पूछा था, कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। ये दोनों गलत है, बल्कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, ये छोड़ दो, ये टिपिकल कर रहे हैं, हर स्टेट का आप याद नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये हमने कवर कर दिया है। अब हमें इसके बाद एक टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है, आपको बुक्स की लिस्ट हमें आपसे करवाने हैं। तो आज हम हल्का हल्का एक बार दिखा देते हैं, इसमें कराना कुछ नहीं है, ये आपको रटना पड़ेगा और फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका क्विज डिस्कस करेंगे, कौन सा बुक किसने लिखा है। हिस्ट्री में हमने कैटेगराइज कर दिया, उससे थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा याद करना। अनएम्प्लॉयमेंट तो हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। यदि आप इकोनॉमिक्स बैच में हैं तो हमें मिल जाएगा, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, उस टॉपिक को आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। चले, बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये वे बुकें हैं जो अब तक एसएससी ने या बाकी एग्जाम्स में पूछे हैं, जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखदत्त ने, राजतरंगिणी कल्लण ने, कथा सरित्सागर सोमदेव ने, कामसूत्र वत्सायन ने, प्रणोत मल्लिका अमोघ वर्ष ने, स्वप्न स्वदत्तम भाष ने, बुद्ध चरित्र
आशु घोष ने, नाट्यशास्त्र हमने पढ़ाया था आपको डांस वाले टॉपिक में, तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भारत ने। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोवर्षी रघुवंश किसने? कालिदास ने। अमरकोश अमर संभव। पंचसिद्धांतिका बृहत संहिता बराहमिहिर। तो ये बताओ, ये मैं रिपीट करूं या आप अपने से रट लोगे? और रट लोगे तो हम इसका कल क्विज करवा दें, ये बताओ, या आपने पहले से पढ़ा है तो आज ही क्विज करवा दें जिसमें आपको सुविधा हो, क्योंकि इसको कोई लॉजिक नहीं है कि हम ऐसे करवाएं। लेकिन देखो, क्लास तभी इफेक्टिव होगी जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में रहेंगे। आप ये सोच रहे हैं सभी लोग कि जी हम तो फास्ट फॉरवर्ड करके और देख लेंगे, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। बताइए जल्दी। तो यदि आप रट लेंगे तो क्विज आज ही करवाएं या कल करवाएं? ये हो गया एक एंशियंट टाइम में जितनी बुकें रही हैं, मिडवल इंडिया में मैक्सिमम इस्लामिक बुकें होंगी, ये आपको रटना पड़ेगा। फिर हमने कैटेगराइज किया प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा, जो हमारे ऐतिहासिक लीडर्स हैं, गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है, नेहरू जी ने कौन सी, सरदार पटेल ने कौन सी लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी, इस तरीके से। राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी है, दादा भाई नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी लिखी है, वेंकट रमन ने कौन सी लिखी है, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये वाली कैटेगरी। फिर बुक ऑफ फेमस इकोनॉमिक्स ने कौन कौन सी बुक लिखी है, पूरा इकोनॉमिक्स वाली बुक है, सारी इकोनॉमिक्स वाली बुक है जो जो पॉसिबल है। फिर बुक ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई, गोल किसने लिखा, एसएससी ने पूछा इस बार, प्लेइंग विन माय वे लास्ट बार पूछा है, कई बार ये सब क्वेश्चन, प्लेइंग टू विन ये भी पूछ लिया। तो ये वे बुकें हैं जो जनरली हमसे एग्जाम में पूछते रहते हैं, प्लेयर्स की हैं। बुक बाय साइंटिस्ट, जैसे अभी देखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछा है सीपीओ 2018 वाले में, तो ये साइंस बेस पर जितनी बुकें हो सकती है। नोबेल प्राइज, जो नोबेल लिटरेचर के लिए जिसने जीता है उनकी बुकें हैं। बी एस नायपाल हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, अमर सेन ने कौन सी बुक लिखी है, बुकर प्राइज विनिंग जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट इंग्लिश टाइटल बाय द इंडियन ऑथर्स, भारत के जो पर्सन है उन्होंने इंग्लिश में कौन कौन सी बुक लिखी है, मजा आ जाएगा मतलब, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा आपको। बुक्स एंड ऑथर चिल्ड्रेन क्लासिकल, बच्चों पे कौन कौन सी बुक किसने लिखी है, तो ये हमसे कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जैसे हैरी पॉटर सीरीज जेके रोलिंग का पूछा इन्होंने। ये आपको रटना पड़ेगा, और आप रट के आए और परसों की क्लास में हम इसको करेंगे। और हम टाइम चेंज करना चाह रहे हैं, हम टाइम जो है वो मेरे बच्चों रात की बजाय हम इसको दिन में करना चाह रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम दोपहर में करवा देते हैं। क्लासिकल जो बुक्स हैं वो, और अभी हम तुरंत ये क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद ही अपडेट कर देंगे सर, नेक्स्ट क्लास में क्विज कराएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। हिंदी में नहीं है, तेरे निकम में हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, और हो सकता है कई बार उसी का हिंदी में किसी ने और ने लिखा है, इतना इतना हिंदी नहीं आता है तुमको, रामायण हिंदी में क्या लिखा रहेगा, इंग्लिश में क्या लिखेगा, मुझे पक्का पता था कोई ना कोई निकम्मा बदमाशी बतियाएगा। ओडिसी का हिंदी क्या करूंगा मैं, कई बार इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंदी में कुछ और हो जाएगा, इंग्लिश में कुछ और हो जाएगा।
थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले मेरे भाई, हर बात में हिंदी में नहीं है। अब गोदान हिंदी में पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ेगा, देवदास गोरे बिंद्रे कागज की नाव। ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम में आप जब रहते नहीं हो तो मेरा तो सिस्टम बिगड़ जाता है ना, 4 बजे से लगातार 12 बजे तक बिजी रहो और 5 बच्चे 20 बच्चे भी ना रहे क्लास में। लेटेस्ट बुक एंड ऑथर, जो नए बुकें अभी आई हैं वो आपको जाननी होंगी। तो कलेक्शन ऐसा कर दिया है कि आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बुक की। तो ये हम आपको अपडेट कर देते हैं अभी क्लास, और परसों की क्लास में हम इस पर क्विज करवा देंगे, लेकिन शर्त यही रहेगा कि मैक्सिमम लोगों को लाइव उपस्थित रहना होगा, तब जाके हम करेंगे, नहीं तो हम टाइम चेंज करेंगे, ध्यान रख लेना। तो आज का सेशन फिर यहीं खत्म करेंगे, और इसके जस्ट बाद जैसे ही बुक वाला खत्म कर रहे हैं परसों, उसके बाद हम नेबरिंग कंट्री वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, देश और पड़ोसी, भारत और भारत के पड़ोसी देश वाला है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं लास्ट ईयर दोनों पेपरों में, CGL 18 में भी और 19 में भी। नहीं, मेरे लिए भी टाइम सही है, लेकिन आप लोग जब प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे तभी फायदा है, नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। चलें फिर आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करेंगे, कल की क्लास में फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कुछ लोग हैं लगातार, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।